हाय गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप एक नया एलिमेंट नोड बनाते हैं और उसको अपेंड करते हैं इस डिव में। या फिर पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से अगर पहले से कोई एग्जिस्टिंग बना हुआ नोड है तो उसको आप किसी तरीके से सेक्शन में या फिर किसी अदर पेरेंट नोड में अपेंड कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हम लोगों ने देखी। इस वीडियो में हम लोग एक टेक्स्ट नोड बनाएंगे और उसको अपेंड करेंगे इस डिव में। सेम प्रोसेस है, बट फिर भी देख लीजिए टॉपिक वाइज। टारगेट मैंने कर लिया है पहले से कि मुझे किस पे अपेंड करना है, तो मैंने उसको एक्सेस कर लिया। मुझे टारगेट नोड मिल गया है, यानी कि मुझे ये इसका एक्सेस मिल गया। मुझे इसका लास्ट चाइल्ड, इसके लास्ट चाइल्ड में एक टेक्स्ट नोड बनाना है। टारगेट कर लिया है मैंने, यानी कि ये जो है मेरे हाथ में है यहाँ टारगेट नोड के रूप में। अभी मुझे क्या करना है, दूसरा स्टेप, कि एक जो मुझे अपेंड करना है उसका मैं एक नोड क्रिएट, यानी कि एक टेक्स्ट नोड क्रिएट कर लेता हूँ। जो मुझे अपेंड करना है वह नोड क्रिएट कर लेता हूँ। अपेंडिंग, सॉरी, क्रिएटिंग न्यू टेक्स्ट नोड। कैसे करेंगे, क्रिएट डॉक्यूमेंट, और इसका मेथड है क्रिएट टेक्स्ट नोड, और बिटवीन पैरेंथेसिस आपको वो टेक्स्ट लिखना है जिसको आप कंटेंट बनाना चाहते हैं। सो टेक्स्ट बाय जावास्क्रिप्ट, बस इतना ही लिखते हैं। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो आप लिख सकते हैं। सो हमारा टेक्स्ट नोड बन गया है, अभी हमें अपेंड करना है। अपेंड करने के लिए टारगेट, यानी कि पेरेंट नोड, तो मुझे यहाँ अपेंड करना है, तो इसका रेफरेंस कहाँ, टारगेट नोड के पास है। सो टारगेट नोड डॉट अपेंड चाइल्ड, चाइल्ड का सी कैपिटल, और यहाँ पर किसको अपेंड करना है, जो अभी हम लोगों ने नया बनाया उसको। तो हमें इसके लिए एक, इसको हम लोग वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं, अदरवाइज उसका रेफरेंस हमें नहीं मिलेगा। सो एन, यानी कि न्यू टेक्स्ट नोड, और इक्वल्स एन। सो मुझे बेसिकली इसको अपेंड करना है इसमें, ये मैंने लिख दिया, सेव किया। सेव करने के बाद इसको अभी अगर आप देखेंगे तो आपको ब्राउज़र वेब पेज में दिखाई देगा इसका इफेक्ट, लेकिन हम लोग फिर भी कॉन्सोल लॉग कर लेते हैं। क्योंकि ये टेक्स्ट नोड है तो ब्राउज़र में तो दिखाई देगा ही, और हम लोग यहाँ लिख देते हैं टारगेट नोड। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए इसके अंदर में ये दो है, बट ये हम लोगों ने अभी अपेंड किया है टेक्स्ट नोड, जो कि आपको यहाँ भी दिखाई देने लगा है। ओके, यहाँ आप देखेंगे यहाँ सिर्फ दो ही हैं, बट जावास्क्रिप्ट के कोड से हम लोगों ने ये जो टेक्स्ट नोड हम लोगों ने नया बनाया है, इसको भी हम लोगों ने यहाँ इसके नीचे अपेंड कर दिया है। सो ये है कि किस तरीके से आप टेक्स्ट नोड को अपेंड कर सकते हैं। अभी इस कोड को दो अलग अलग लाइन में लिखने के बजाय आप सिंपली सेम लाइन में लिख सकते हैं। आप सिंपली इसको कॉपी कीजिए, यानी कि कट कीजिए, और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, और ये लाइन हटा देते हैं। यानी कि आप एक साथ क्रिएट भी कर रहे हैं और अपेंड भी कर रहे हैं। क्रिएट एंड अपेंडिंग न्यू टेक्स्ट नोड टू डिव, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसको सेव करते हैं हम लोग। सेव करने के बाद इसको एक बार मैं और रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि कहीं कोई एरर है या नहीं। ओके, सो कहीं कोई एरर नहीं है और सही तरीके से ये काम कर रहा है। सो गाइस, इस तरीके से टेक्स्ट नोड को आप अपेंड कर सकते हैं अपने किसी एलिमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।